क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या पूछा, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है संलग्न आकृति में कोणों के कौन से युग्म है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कहने का मतलब ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एंगल वन का सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल फोर है। ठीक है, अब देखिए एंगल फाइव का सम्मुख कोण कौन कौन सा है, एंगल टू और एंगल थ्री है। हमें यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, एंगल वन का अपोजिट कौन सा है, फोर है, यानी एंगल वन का एंगल फोर मिलेगा, एंगल फाइव का एंगल टू और एंगल थ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए लिखकर आपको दिखाते हैं, आसान क्वेश्चन है। यहां पे लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, हिंदी मीडियम लिख लें यहां पे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, अब यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखेंगे। एंगल वन, एंगल वन का अपोजिट बुक में देखिएगा क्या मिलेगा, एंगल फोर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे एंगल फाइव, एंड एंगल फाइव का देखिएगा बुक में मिलेगा अपोजिट एंगल, एंगल टू, और यहां प्लस कीजिएगा एंगल थ्री। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मिला। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, लीनियर पेयर, यानी कहने का मतलब ये है रैखिक युग्म है कि नहीं है। तो देखिए इसमें रैखिक युग्म कौन कौन से है, यानी लीनियर पेयर कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए लीनियर पेयर एंगल वन का एंगल फाइव होगा यानी अपोजिट। ठीक है, और एंगल फोर का अपोजिट क्या होगा, एंगल फोर फाइव। ठीक है, फोर का फाइव होगा और वन का फाइव होगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं लीनियर पेयर। तो यहां पे लिखिए लीनियर पेयर, हिंदी मीडियम लिख लें यहां पे, रैखिक युग्म। ठीक है, अब यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखेंगे। यहां लिखिए एंगल वन एंड एंगल फाइव। ठीक है, एंगल वन का लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म फाइव होगा, और यहां लिखेंगे हम एंगल फोर एंड एंगल फाइव, और एंगल फोर का लीनियर पेयर एंगल फाइव होगा। ठीक है, यानी चार एंगल चार का रैखिक युग्म एंगल पांच होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।